हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है यासमीन तुबीन और आप देख रहे हैं यासमीन फूड। बट आज मैं कोई भी रेसिपी बनाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि हम लोग बहुत अभी डिस्टर्ब चल रहे थे और आप जानते और देख सकते हैं, क्योंकि मेरी मम्मी आई हुई है सीएमसी ब्लॉग, तो आप ब्लॉग की टूर देख सकते हैं। तो ये देखिए, जैसे कि हम लोग आपको रूम का भी टूर करवाएंगे, बट ये हम लोग सीएमसी जा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, आगे बने रहें, इन में आपको सीएमसी ब्लॉग देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच। और ये देखिए, हम सीएमसी पहुंच गए, ये ओपीडी ब्लॉक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी इतनी धूप है, फिर भी भीड़ आप देख सकते हैं, ऐसे लोग धूप में खड़े हैं। और ये इमरजेंसी सर्वे है, आप तो देख सकते हैं, ये सब यहाँ का रूल रेगुलेशन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेस्ट है। मैं आपको और भी टूर करवाऊँगी। ये देखिए, ये सबसे बड़ा बिल्डिंग है, कम से कम कमोबेश इसमें 10-12 बिल्डिंग होंगे, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग रोल है। ठीक है, आगे बने रही वीडियो में। और ये देखिए, ये ओपीडी ब्लॉक, जैसे मैंने आपको पहले भी दिखा चुका है, ये ओपीडी ब्लॉक है, ज़्यादातर वर्क यहीं होते हैं। और यहाँ पे जगह जगह पे वेसिंग है, सैनिटाइजर है, हैंड वॉश है, सेफ्टी तो यहाँ बहुत है, आप देख सकते हैं। ये भीड़ ऐसे ही नहीं लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। और मैं आपको विजिट करा रही हूँ ये न्यूरो के डॉक्टर के पास, अभी हम लोग को मिलने नहीं जाना है, तो हम ऐसे सीधे जाएंगे। यहाँ पे लोकेशन बहुत, सीएमसी इतना बड़ा है कि जल्दी लोकेशन मिल नहीं पाता है, बट यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ऐसे हैं मानो हर चीज़ बता देते हैं। ये देखिए सीएमसी ब्लॉक पुलिस, तो ये सिल्वर गेट 600 है और यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे जगह जगह पर सिक्योरिटी गार्ड आपको मिलते रहेंगे। और यहाँ ग्रीनरी कितनी है आप देख सकते हैं, बहुत ग्रीनरी है। और ये देख सकते हैं, पेड़ पौधे यहाँ बहुत है। और हम अभी जा रहे हैं इंडोक्राइन ऑफिस 810, तो आप देख सकते हैं हम लोग चल रहे हैं। वहाँ पे भी बहुत अच्छा गार्डन टाइप्स में है, मुझे वहाँ का लुक बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं शूट करने जा रही हूँ, आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये जैसे कि आ गया, ये देखिए आप, यहाँ पे हर डिपार्टमेंट के डॉक्टर हैं और बहुत अच्छे अच्छे हैं, बहुत सीनियर भी हैं, जूनियर भी हैं। ये देखिए कितने खूबसूरत फ्लावर हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप। और ये बहुत मेंटेनेंस में होते रहता है। और हम लोग अभी यहाँ हर डिपार्टमेंट अलग अलग है, तो हम लोग को अभी यहाँ पे अपॉइंटमेंट मिला है डॉक्टर से, आज हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर लग रहा है ना, आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसा है, और शेयर कीजिएगा ताकि हर किसी को हेल्प मिल सके, क्योंकि यहाँ पे बस एक डिजीज़ के लिए लोग नहीं आते हैं यहाँ से, यहाँ पे बहुत से वर्क होते हैं डिजीज़ से रिलेटेड। और हम लोग तो स्पेशली ब्रेन ट्यूमर के लिए आए हुए, इससे पहले हम कभी बिलौर नहीं आए थे, फर्स्ट टाइम बिलौर आए हुए हैं। और देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको चर्च भी दिखाऊंगी, वहाँ बहुत अच्छा ही चर्च है, शांति एरिया है। ये देखिए डिसिप्लिन हुई थी यहाँ, इतना फॉलो किया जाता है, ये देख सकते हैं आप, डू नॉट स्पीक, तमिल में, हिंदी में, इंग्लिश में, सब में लिखा हुआ है। और ये देख सकते हैं आप, ये लगता है कोई म्यूजियम से कम नहीं है, देख सकते हैं ब्यूटीफुल फिश। एंड ये देखिए, ये हमारा बड़ा सा वॉच, ये है हमारा चर्च, बस 2 मिनट इसमें व्यू दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, यहीं पे स्लीपर निकालना होता है सब, हम भी निकाल देते हैं। और ये देखिए, यहाँ पे सब कुछ शांति से बैठा हुआ है। और ये 2 स्क्रीन दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे सब कोई प्रे कर रहा है। ये है चर्च, देख सकते हैं, यहाँ पे मोबाइल अलाउ नहीं है, इसलिए मैं जल्दी से जा रही हूँ। ओके, पहन लेते हैं अपना स्लीपर। और ये देखिए, बहुत ब्यूटीफुल फिश है, इसको हेलो बोलिए, हेलो बाय। और ये देखिए, हम लोग को जाना है, हम इससे पहले मेरी मम्मी एडमिट थी N1 N2 वार्ड्स में,
तो इनवन आईसीयू में एडमिट थी और आईसीयू के बाद एन2 वार्ड में चली गई। तो उसका लोकेशन है, हर चीज़ का लोकेशन यहाँ बनाया गया है, देख सकते हैं एरो इधर का है। तो हम लोग अभी इधर नहीं जाने वाले हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी का बहुत टाइट है। बट मैं उसका भी एक ट्रिक निकाल चुकी थी, मैं आपको बाद में शेयर करूँगी। और ये हम लोग जे वार्ड में जा रहे हैं लोग, यहाँ पर आप सिक्योरिटी देख सकते हैं। और हम लिफ्ट से नहीं जा रहे हैं क्योंकि मुझे वीडियो शूट करना है, इसलिए हम सीढ़ी से जा रहे हैं। ये देखो, देखिए आप इंडो ऑफिस लिखा ना, इंडोक्राइन ऑफिस, तो शॉर्ट में इंडो ऑफिस 810 लिखा है, एरो इधर किया है, तो हम लोग को इधर जाना है। वैसे अब हमको कोई पेपर का ज़रूरत नहीं पड़ता है क्योंकि 15 दिन से दौड़ दौड़ के मुझे सब ये हो गया। देखिए यहाँ पर भी लिखा है और आगे जाना है, तो मैं जा रही हूँ और आप लोग मेरे साथ घूम रहे हैं, साथ में नहीं बट वीडियो में। और ये देखिए फिर और जो एरो है इधर है, तो हम लोग को इधर जाना है। यहाँ पे एरो इतना है कि समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए एग्जिट लिख रहा है और इंडो ऑफिस ऊपर है, यानी इंडो ऑफिस सेकंड फ्लोर पे है, देख सकते हैं। मैं थक गई वीडियो शूट कर कर के, तो प्लीज़ इसके लिए लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मेरी मेहनत को और आगे बढ़ाइएगा। ये देखिए फिर एरो दिया है 810 का, यहाँ पे लोग वेट कर रहे हैं वेटिंग एरिया में। यहाँ पे देखिए 810 आ गया, जब यहाँ पे ऑफिस है, वेटिंग एरिया में लोग वेट कर रहे हैं। ये देखिए अभी थोड़ा खाली है, क्या है कि अभी टाइम नहीं हुआ है, बट हम टाइम से पहले आ गए हैं। यहाँ पे लाइन लगाना पड़ता है, सिक्योरिटी रहता है, अभी कोई नहीं है। और ये देखिए मेरी मम्मी खड़ी हैं और हम लोग का यहाँ सामान है। और ये देखिए ये सब आप देख सकते हैं, याद के लिए रखा गया है, स्लीपर है, शूज है, सॉक्स है, सब आप देख सकते हैं। और ये देखिए यहाँ भी ब्यूटीफुल फिश है, हेलो। ये देखिए ब्यूटीफुल प्लांट एंड आप देख सकते हैं। और ये देखिए विलोर में, और कुछ हो चाहे ना हो विलोर में नहीं, इनफैक्ट साउथ में, जैसे हम लोग के बिहार में नॉर्थ में धनिया का पत्ता यूज होता है ना, वैसे यहाँ पे करी पत्ता यूज होता है, करी लीव देख सकते हैं। ये सब देख सकते हैं, टीने वार्ड है, ये लाइन भी है। यहाँ की अभी जो सिस्टर हैं इन्हीं से अपॉइंटमेंट है, बट मैं छिप के वीडियो बना रही हूँ। और ये देखिए यहाँ पे हम लोग के डॉक्टर हैं। और ये देखिए ये है करी पत्ता, यहाँ नीम की तरह दिख रहा है ना आपको, वही है करी पत्ता, इसका नीम की तरह लुक होता है बट है नहीं वाकई में नीम। ये देख सकते हैं ये बाहर का व्यू है, हम लोग यहाँ पे हैं, ये बाहर का व्यू है। और मुझे घबराहट नहीं हो रही है वीडियो बनाने में क्योंकि मैं छिप छिप के बना रही हूँ, इसलिए। ये देखिए लिखा है ना डायबिटीज़ एडुकेटर, अब मैं जाके अपने सीट पे बैठ जाती हूँ। और फिर मैं यहाँ पे, मुझे मन इसलिए लगता है क्योंकि ये फिश को मैं देखते रहती हूँ। और ये देखिए, तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, हम लोग डॉक्टर से मिलने के बाद वीडियो बनाएंगे। देखिए हम लोग डॉक्टर से मिल गए, इसको हम बाय कर देते हैं, बाय, फिर कल मिलेंगे। और सबको बाय करते हैं और हम लोग चलते हैं अपने घर, सॉरी घर नहीं रूम, ये हम लोग का तो घर है नहीं। और हम लोग जा रहे हैं, मेरी अम्मी आगे निकल गई हैं, मैं पीछे से वीडियो शूट करके जा रहे हैं। डॉक्टर बोले अभी शुगर नॉर्मल है। अम्मी इधर, अम्मी अब देखिए यहाँ इतना बड़ा है कि अम्मी भी कंफ्यूज हो जाती हैं, हर कोई कंफ्यूज हो जाएगा। बट मैं यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा आ गई हूँ, मम्मी तो एक जगह बैठी रहती हैं, अटेंड करना पड़ता है मुझे, तो मेरे को आगे है, मुझे रास्ता अच्छे से पता है। और ये देख सकते हैं हम नीचे उतर रहे हैं, अब हम लोग को कल फिर 7 बजे अपॉइंटमेंट है, तो हम लोग 7 बजे जाएंगे। यहाँ पे देखिए व्यवस्था कितना अच्छा है हर चीज़ का। फिर हम लोग फर्स्ट फ्लोर जा रहे हैं, सेकंड फ्लोर से लिफ्ट का यूज़ हम आप लोग के चलते नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मुझे वीडियो शूट करना है, वीडियो शूट करेंगे तो ये सब आएगा ही नहीं व्यू,
ये देख सकते हैं सेक्रेटरी को फिर से है जेवर, हम लोग गए थे और अब हम लोग बाहर जा रहे हैं अपने रूम पे। रूम भी हम लोग का ज़्यादा दूर नहीं है, बस हाफ मिनट या वन मिनट लगता होगा। और ये देखिए हम लोग जा रहे हैं, हम आपको N1 और N2 दोनों वार्ड का विजिट कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं यहाँ पे बहुत वीडियो बनाने वाली हूँ, तो आप मेरे वीडियो का वेट करते रहिएगा और बहुत इन्जॉय कीजिएगा। आज हम लोग का जो माइंड है बहुत फ्री रह रहा है, क्योंकि मेरी मम्मी का ऑपरेशन हो गया है और हम लोग बहुत खुश हैं, इसलिए मैं वीडियो बना पा रही हूँ। और ये देखिए रिसेप्शन है, यहाँ पे आप कुछ भी पूछ सकते हैं। यहाँ का जो लैंग्वेज यूज होता है वो तमिल यूज होता है, बट यहाँ इंग्लिश भी बहुत अच्छे खासे लोग बोल लेते हैं और हम लोग को भी इंग्लिश ही यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि तमिल समझ में तो आता नहीं है। और यहाँ पे डस्टबिन है, देख सकते हैं यहाँ पे बहुत कम कचरा मिलेगा आपको। और ये हॉस्पिटल है, बहुत साफ़ सफाई भी रहता है, बहुत क्लीन रहता है, हर टाइम साफ़ सफाई का ध्यान दिया जाता है, ढेर सारा एम्बुलेंस लगा रहता है। और ये देखिए हम लोग दोबारा इसको मिस करेंगे, फिर नेक्स्ट डे आएंगे तो। और हम लोग जा रहे हैं, धूप देख सकते हैं आप कितना धूप है, यहाँ पे बहुत कम बारिश हो रहा है, बट बिहार में हम लोग कॉल से कनेक्ट रहते हैं तो पता चलता है वहाँ पे बहुत बारिश होती रहती है, यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है। अब हम लोग जा रहे हैं अपने डेरे पे, तो लास्ट व्यू देख लीजिए आप लोग। ये बहुत अच्छा इलाका है, यहाँ पहाड़ी इलाका है, बहुत खूबसूरत लगता है। मेरी मम्मी को डॉक्टर ने बोला 20 मिनट वॉक करने के लिए, तो हम लोग वॉक पे निकलते हैं सुबह सुबह मॉर्निंग में, तो इधर पहाड़ की तरफ जाते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है, ये देख सकते हैं। और हम लोग निकल रहे हैं बाहर, ये देखिए बाबा फार्मेसी। मेरे को यहाँ आने के बाद खांसी हो गया था, मैं यहीं से दवा ली थी, इसलिए मुझे ये देखिए यहाँ पे भी पेड़ पौधे लगे हुए हैं। और ये देखिए यहाँ से हर चीज़ बहुत आसान है, वहाँ पे फल वगैरह का नारियल पानी सब डाब वगैरह मिलते रहता है। और हम लोग जा रहे हैं अब डेरे से, डॉक्टर फिर 7 बजे बुलाया, हम लोग फिर 7 बजे कल आएँगे। देखिए हम लोग जा रहे हैं, हम लोग रोड क्रॉस कर लिए और जा रहे हैं हम लोग। बहुत लगा ट्रैफिक, हर चीज का शॉप यहाँ पे है, अभी हम लोग बहुत थके हुए हैं, काफी टाइम हो गया है और हम लोग घर जाते हैं। ये देख सकते हैं आप, बस ज़्यादा तो नहीं, वो मस्जिद दिख रहा है, बस वही हम लोग का रूम है उसके नीचे वाले। और ये देखिए सब बैग फल दूध फिर सब मिल रहा है, सब लंच बॉक्स। और हम लोग इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं मार्केट का व्यू दिखाऊंगी आपको कि हम मार्केट कैसा है। और ये देखिए होटल, ये बंगाली होटल, तो वैसे मैंने एक दिन भी नहीं खाया है, बट इसके बगल वाले होटल जो है मेडना होटल, देख सकते हैं। मुझे यहाँ का खाना कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आता है, शायद आप लोग को आए, बट यहाँ का मुझे पराठा और लच्छा वाला पराठा और ये चिकन पकौड़ा बहुत अच्छा लगता है, मैं हमेशा खाती रहती हूँ। जब मुझे खाना बनाने का मन नहीं करता है तो मैं खाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत थक जाता आदमी आने के बाद। ये देखिए सब सब मार्केट है, इवन हम लोग शाम में भी टहलते टहलते आके एक बार घूम लेते हैं, मन नहीं लगता है तो। बट यहाँ की सामान जो है बहुत महंगा है। और ये देखिए आंटी हैं, पैसा मांग रही, हम भी इनको कुछ पैसा दे देते हैं। और ये देखिए सब आप देख सकते हैं, तो
मार ज्वेलरी है, कपड़े का दुकान भी पे बहुत ज़्यादा है, बट बहुत महंगे महंगे मिलते हैं। लेकिन शाम में संडे को बहुत सस्ता मिलता है कुर्ती, बट वो कुछ खास नहीं रहता है, समझ सकते हैं। फुटपाथ का सामान कुछ ज़्यादा दिन चलता नहीं है, इसलिए वो अच्छा नहीं होता है। और जो ब्रांडेड है वो बहुत महंगा है। यहाँ पे टी शर्ट वगैरह मिल रहे हैं, धूप में तो लगता नहीं है ना ठेला, तो इसलिए वो लोग शाम में लगाते हैं 3 बजे के बाद में, सब यहीं लगाएगा लोग। और ये देखिए, ये लोग अंकल बेचारे धूप में भी लगा के रखे हुए हैं, बट वो लोग शाम में ही लगाते हैं। और एक यहाँ पे संडे को इस सुल्तानिया सराय में बहुत अच्छा मेला टाइप्स लगता है, अभी आता कि भी नहीं, और हर चीज़ अवेलेबल होता है उस दिन। और बहुत देर तक, नाइट इवन 1 बजे तक रहता है, 1 बजे रात तक, 1 बजे रात तक ही ख़त्म होता है। सब कोई अपने अपने घर जाते होंगे या रूम पे जाते होंगे, पता ना कौन कहाँ से आया होगा, ये तो मुझे नहीं पता है। ये देखिए आ गया मस्जिद हम लोग का, अब बस हम लोग यहीं चढ़ जाएंगे। हम लोग का सबसे लास्ट वाला डेरा है, रूम है 14 नंबर रूम, बट हम लोग उसको चेंज करेंगे और हम लोग 10 वाले में आएंगे, क्योंकि उसका बाथरूम का नल वगैरह सब ख़राब हो गया है। ये देख सकते हैं होल सेल प्राइस पे 1 ग्राम ज्वेलरी, हैदराबाद बैंगल सब मिल रहे हैं। और ये किराने का दुकान है, और हम लोग कभी कभी आते रहते हैं इधर। मैं आपको एक अंकल से मिलवाऊंगी, बट अभी नहीं, मैं बस अभी उनका दुकान दिखाती हूँ। बहुत अच्छा खासा उनसे जान पहचान जैसा हो गया, मैं बस 2 दिन गई हूँ उनके दुकान से, बट मेरा खैरियत वो पर डे पूछते हैं। मैं जब भी जाती हूँ दिन में 2 बार या 3 बार भी इस रास्ते से जाऊँगी, वहीं से पूछते रहते हैं मम्मी कैसी है। ये देखिए यही दुकान है, दिख रहा है ना, समीर फैंसी, यही ये वाले अंकल अभी देख नहीं रहे हैं, तो देखेंगे तो ज़रूर पूछेंगे। ये देखिए, और हम लोग आ गए अपने यहाँ पे, देखिए लिखा है ना सुल्तानी असराय, देखिए लिखा है ना, बस हम लोग इसी में विजिट करेंगे। मम्मी चली गई ऊपर, हम जा रहे हैं। खड़ गए अपने रूम में जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे दादा बैठे हुए हैं, और यहाँ पर पानी नहीं मिलता है, पर डे 40 रुपये पानी का लगता है। विडोर में एक बात है, सब चीज़ है, बट पानी का बहुत प्रॉब्लम है, वाटर बिग प्रॉब्लम है। ये देखिए सब अंकल लोग, सब CNC ही आए हुए हैं। ये देखिए 10 नंबर वाले में हम लोग रहेंगे। मम्मी खोल के देख रही है कि साफ़ सुथरा हुआ है कि नहीं, तो ये देखिए साफ़ अच्छे से हो गया है, पूछा वछा भी सब लगा दिए हैं। और आज हम लोग इसी में रहेंगे, अपना सारा सामान इसी में लेकर आने वाले हैं। तो ये देखिए हम लोग 3 आदमी हैं, 3 बेड लगा हुआ है, और 1 बेड का 100 रुपया लगता है पर डे। तो हम लोग 3 आदमी हैं तो 300 लगेगा। और ये देखिए लाइट वगैरह पंखा वंखा सब है, इसमें अलमारी नहीं है, उसमें अलमारी था तो ये दिया हुआ है रखने के लिए। और ये देखिए लैट्रिन बाथरूम है अटैच। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, आप बताइएगा वीडियो में कैसा लगा आपको ये वीडियो।